हेलो एवरीबॉडी, कैसे हैं आप सब? आई होप अच्छे होंगे। मैं के पी संत आप सभी का न्यू वीडियो में स्वागत करता हूं। दोस्तों, लैंडमार्किंग का काम किया जा रहा है, ये देख सकते हो तस्वीरें, देखो। और इसका ये बीच का डिवाइडर भी बन के कम्प्लीट हो चुका है। अब इसमें बस पेड़ पौधे लगा दिए जाएंगे। देखो लैंडमार्किंग, देखो वो कर रहे हैं उधर उस साइड में, ये देख सकते हैं, ये लैंडमार्किंग की जा रही है। और ये जो जगह है दोस्तों, ये है अकराबाद, क्योंकि हम अलीगढ़ से आ चुके हैं अकराबाद, और फिर उसके बाद में पड़ेगा सिकंदरा राव। तो कुछ ये ऐसा हाईवे है, देख सकते हो तस्वीरें। तो आप लोग बताना मुझे, क्योंकि मैंने पिछले सीजन में इसका मैंने अपडेट दिया था आप सभी को, और बनने ये कम्प्लीट हो जाने के बाद में, और आप लोगों को अब दूसरा अपडेट देखने के लिए मिलेगा दोस्तों। तो देख सकते हो तस्वीरें, क्योंकि अभी अकराबाद का आगे टोल प्लाजा भी देखने के लिए मिलेगा आप लोगों को, तो वो भी मैं अभी दिखाऊंगा जाके। स्ट्रीट लाइट भी लग चुकी हैं, देख सकते हो, कैमरे भी लगाया है वहाँ बीच में, वो कैमरा लगा हुआ है बीच में दोस्तों। तो कुछ ऐसा हाईवे बनाया है, देख सकते हो तस्वीरें, देखो इसे कहते हैं हमारी, देखो आप लोग, कुछ ऐसा हाईवे है। आपने कभी कल्पना की थी कि ऐसा हाईवे देखने के लिए मिलेगा कहाँ? ये इतना गंदा रास्ता था, इतना गंदा रास्ता था, आपको क्या ही बताएं। कुछ साल पहले ये इतना गंदा रास्ता था, इतने गहरे गहरे गड्ढे थे, क्या ही बताएं आपको, कहा नहीं जा सकता कुछ। और देखो अब वाहन किस तरीके से फिसलते हैं, ये देखो, बिल्कुल ही देखो। तो ये नज़ारे हैं, तो चलते हैं और आपको आगे दिखाते हैं चल के। NH34 एक्सप्रेसवे का दोस्तों कायाकल्प हो चुका है, देख सकते हो। और ये अकराबाद में जाकर ये टोल प्लाजा आप सभी को देखने के लिए मिलेगा इस हाईवे का। गाइस तस्वीरें आप लोग देख सकते हो, ये यहाँ का टोल प्लाजा बनाया गया है। दोस्तों ये हाईवे कंप्लीट होने के लिए देख सकते हो, ये सिकंदरा राव के अंदर जो जाता है इधर के लिए, एक ये बचा हुआ है और एक इस पर रेलवे का बचा हुआ है, तो दो जगह का बचा हुआ है यहाँ पे। तो देख सकते हो इसके ये पैरा फिटबॉल ये रखे हुए हैं साइडों में, ये देख सकते हो, ये पैरा फिटबॉल हैं दोनों साइड के, मतलब यहाँ तक तो बन के कम्प्लीट हो गया है, जो इसका अंडर पास है बस वही रह गया है। तो मैं अभी आप लोगों को आगे चल के दिखा देता हूँ कि कितना बचा हुआ है बाकी। ये दो पैच रह गए हैं बाकी, ये बिल्कुल ही एक्सप्रेसवे बिल्कुल कंप्लीट हो चुका है। दोस्तों आप लोगों को बता दूं कि अलीगढ़ से लेकर और ये आपका मैनपुरी तक बिल्कुल एक्सेस कंट्रोल्ड एक्सप्रेसवे हो जाएगा दोस्तों। तो अभी बस यही पैच बचा हुआ है और वो भी जल्दी बन के कम्प्लीट हो जाएगा। तो चलते हैं उसी के पास में, फिर आप लोगों को दिखाते हैं चल के। तो देख सकते हो सारे में ही अभी कंस्ट्रक्शन चल रहा है,
और इसमें मिट्टी की लेबलिंग की जा रही है, जैसा कि आप लोगों ने नीचे जेसीबी देखा था अभी। अब मैं इसके ऊपर आ चुका हूँ और ऊपर चढ़ कर आप लोगों को दिखा देता हूँ। तो इसमें बस यही टाइम है, जो भी है जितना टाइम लग रहा है वो इसी में लग रहा है, बाकी तो ये कंप्लीट हो चुका है, जैसा कि आप लोगों ने देखा था अभी अकराबाद में। एक तो वो फ्लाईओवर था तो वो बन के कम्प्लीट हो चुका है और उस पर लैंड मार्किंग का काम किया जा रहा था और इस पर स्ट्रीट लाइट भी लगा दी जा चुकी है दोस्तों। तो बस यही वर्क चल रहा है, देख सकते हो ये भी जल्दी कम्प्लीट हो जाएगा क्योंकि मिट्टी तो डाली जा रही है। तस्वीरें आप लोग देख सकते हो। और दोस्तों आप लोग यकीन नहीं करोगे कि कितनी दिक्कतों का सामना करने के बाद मैं वीडियो बना पाता हूं दोस्तों। और आप हो कि आप लोग ना तो लाइक करते हो, ना चैनल को सब्सक्राइब करते हो और ना ही आप शेयर करते हो, तो ज़्यादा से ज़्यादा लाइक शेयर सब्सक्राइब किया करो दोस्तों, क्योंकि मैं ऐसे ही अपडेट्स आप लोगों के बीच में लाता रहता हूं। तो देख सकते हो यहां पे ये मिट्टी डालने का काम चल रहा है, वहां पर देख सकते हो वो उधर ब्लैक टॉप किया जा रहा है उसके ऊपर। तो कुछ ये है सीन, तस्वीरें आप लोग देख सकते हो दोस्तों। मेरे को लग रहा है ये शायद पलट गया था और पलटने के बाद ही इस पर ये दोबारा किया गया है दोस्तों। देख सकते हो ये नज़ारा कुछ ऐसा है, तो यही बनाया जा रहा है। देखो वो रहा अंडरपास, क्योंकि वो क्रॉस कर रहा है सीधा सिकंदरा राव के लिए अंदर जा रहा है, शहर के लिए, सिकंदरा राव के शहर के अंदर के लिए दोस्तों। तो यहाँ पर ये पैच था, तो देखो कुछ ये सीन है यहाँ का दोस्तों। और अभी आगे का भी दिखाएंगे क्या रेलवे, क्योंकि रेलवे के ऊपर भी इसका ब्रिज बनाया जा रहा है दोस्तों, क्योंकि रेलवे को ये क्रॉस करवाएगा। तो बस यही जो नज़ारा है, बस यही पैच बचा हुआ है थोड़ा सा, और ऐसा बनने के बाद में फिर दोस्तों बिल्कुल कंप्लीट हो जाएगा ये एक्सप्रेस वे। तो अलीगढ़ से, और ये आपका जैसा कि मैंने बताया कहाँ तक, मैनपुरी तक दोस्तों बिल्कुल कंप्लीट हो जाना है, देख सकते हो तस्वीरें। तो कुछ यही सीन है यहाँ का और बना दिया जाएगा वहाँ पर जल्दी। तो मैंने सोचा क्यों ना आप लोगों को दिखाया जाए, और ऐसे ही वीडियोस देखने के लिए केपी संत को लाइक शेयर कमेंट करो ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों, ज़्यादा से ज़्यादा। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया आप लोगों ने तो कर लेना, नीचे है रेड कलर का बटन उसे प्रेस कर देना, तुरंत बेल आइकन बजा देना, चैनल सब्सक्राइब हो जाएगा और ऐसे ही वीडियोज़ देखते रहो केपी संत के चैनल पर दोस्तों। देख सकते हो ये साइड की बॉल ये लगाई जा रही है, जैसे जैसे ऊपर को उठाती लगाते चले जा रहे हैं वैसे वैसे इसमें मिट्टी डालने का काम करते चले जा रहे हैं तेज़ी के साथ में। देख सकते हो टीम लगी हुई है वहाँ पे, तो उस साइड का तो इन्होंने बना दिया है, अब इस साइड का बचा हुआ है, तो ये भी जल्दी बन के कम्प्लीट हो जाएगा दोस्तों। तो चलते हैं, और आपको जो मिस्त्री वो लगे हुए हैं, टीम लगी हुई है, उनसे पूछते हैं एक बार कि कब तक ये बन के कम्प्लीट हो जाएगा। देख सकते हो ये सारा नज़ारा भाई साहब, देखो ये रोड रोलर भी खड़ा हुआ है। तो यही सीन है यहाँ का, देखो ये लगाते हैं, और देख सकते हो ये चद्दर कितनी मोटी होती है, देखो ये है चद्दर जो इसमें बिछाई जाती है ताकि ये जब लोड पड़े तो ये निकल के ना भाग जाए पैराफिट वॉल, तो इसलिए ये लगाया जाता है। देखो किस तरीके से ये उधड़ गया था, तो इन्होंने ये लगाया दोस्तों, ये देख सकते हो। अब दोबारा इसमें ये लगाई जाएगी पट्टी से, तस्वीरें देख सकते हो आप लोग आप सभी। देखो यहाँ पर ये मिट्टी डाली जाती है, मिट्टी डालने के बाद में फिर रोड रोलर चलाया जाता है, इसमें पानी मिट्टी दोनों चीज़ें डाली जाती हैं, और डालने के बाद में फिर इसको बिल्कुल मतलब कि जमाया जाता है मिट्टी को, और जब तक जम नहीं जाती है तब तक इसका पीछा ही नहीं छोड़ते दोस्तों, क्योंकि अभी इसमें कंक्रीट की लेयर भी डाली जाएगी, रोरी बजरी की लेयर डाली जाएंगी, रोरी बजरी की लेयर डालने के बाद में फिर इसमें ब्लॉक टॉप किया जाएगा। तो अभी तो टाइम लगेगा इसमें, तो इनसे पूछते हैं कि कितना टाइम लगेगा इसे बनने में। ठीक है दोस्तों, तो देख सकते हो बस ये वाली पुलिया बची हुई है एक साइड की, और ये भी बन के जल्दी कम्प्लीट हो जाएगा दोस्तों।
कहते हैं साहब, बढ़िया हो सुनने में? एक साल पूरा लग जाएगा। और इस पर जो रेलवे पर आगे बनाया जा रहा वो कितना काम हो गया? अच्छा, जब जाके ये कंप्लीट हो पाएगा? क्यों पीछे का तो उधर का तो सारा कंप्लीट ही हो गया, क्यों पहले एक बचा था ना अकराबाद वाला, वो क्या नाम है, अकराबाद है कौन सा वो पीछे, उस पर तो लैंड मार्किंग का काम चल रहा है अभी। मैं तो यही करता हूँ, यही दिखाता हूँ। हाँ, तुम्हारा बना दे, तुम्हें बना आपको बताएंगे हम, आप वीडियो बना के डालो देखो। हाँ, हो सकता है आपको व्यूअर मिल जाए, आपको देखने वाले। देखो दोस्तों, यहाँ पर ये देखो काम कर रहे हैं, टीम लगी हुई है किस तरीके से इसके इसे काट काट के फिर जिसकी जो दरारें हैं इन दरारों में चिपकाया जाता है। ये चिपकाते किस तरीके से हो? फेविकॉल से चिपकाते हैं। फेविकॉल से चिपकाते हो? तो ये अभी बता रहे हैं कि अभी इसमें से करीब करीब एक साल पूरा पूरा लग जाएगा इसे बनने में, क्योंकि एक पैच ये आधा आधा पैच ये बचा हुआ है और आधा रेलवे वाला बचा हुआ है। तो दोस्तों ये देख सकते हो, ये कासगंज के लिए रोड जा रही है, उसी पर ये अंडर पास बनाया जा रहा है और उसका एक साइड का तो बन चुका है, उस पर ब्लैक टॉप का काम किया जा रहा है। और इधर तो आप लोगों को दिखाई दे रहा होगा कि मिट्टी बस डाली जा रही है, अर्थवर्क का काम किया जा रहा है। तो इसमें कभी अभी तो काफ़ी टाइम लग जाएगा इसे बनने में, तस्वीरें देख सकते हो। आप कुछ कहना चाहोगे? जी सबको सलाम वालेकुम, राम राम, नमस्कार। बस देखो किस तरीके से ये इसे काट के और फिर जो इसके इसको कंपोजिट बोलते हैं, कंपोज, ये कंपोजिट बोलते हैं इसको। देखो इस कपड़े पे ये होता बहुत मजबूत, गलता नहीं है ये ना? ना ना, ये पानी के लिए, ताकि पानी बाहर का जो बारिश आए उसको ये रोक ले। अच्छा, क्योंकि मिट्टी में जाएगा तो ये बैठेंगे। अच्छा, ये कंपोजर देखो दोस्तों, आप देख सकते हो ये कंपोजर है, ताकि बाहर का जैसा पानी आएगा, बारिश पड़ेगी तो ये उस पानी को रोक लेगा यहाँ पर, अंदर पानी को नहीं बढ़ने देगा तो मिट्टी नहीं बैठेगी। कि जिस तरीके से ये बैठा रहे हैं, वैसे तो पानी मार मार के ही बिठाते हैं, लेकिन फिर भी अगर बाहर से पानी आएगा तो मिट्टी ज़रूर बैठेगी। तो इसी वजह से ये कंपोजर लगाया जाता है साइडों में, देख सकते हो किस तरीके से इन्होंने लगाया है, ये देख सकते हो इस तरीके से ये कंपोजर लगाया जाता है साइडों में, ताकि पानी बाहर का अंदर ना आ सके। दोस्तों देखो, तो ये है नज़ारे दोस्तों, और इसमें अभी काफ़ी टाइम लग जाएगा बनने में। तो आप लोग बताना कि आप सभी को ये वीडियो कैसा लगा। दोस्तों ऐसे ही वीडियोस देखने के लिए केपी संत को लाइक शेयर कमेंट करो ज़्यादा से ज़्यादा। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया आप लोगों ने अभी तक तो कर लेना, नीचे है रेड कलर का बटन, उसे प्रेस कर देना, तुरंत बेल आइकन बजा देना, चैनल सब्सक्राइब हो जाएगा और ऐसे ही वीडियोस देख रहे हो केपी संत के चैनल पर। तो चलिए आपसे मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद जय भारत गाइस।